गणेश पंडाल में पत्थर मारा पछी सरकार एक्शन में आई है। सैयदपुरा गैरकायदे मिलकतों पर फरी वळ्यु छे दादा नु बुलडोजर। सैयदपुरा पुलिस चौकी की आसपास दबाणों दूर करवामां आव्या छे। लारी गल्ला सहित दबाण थयेली मिलकतों ने ध्वस्त करवामां आवी छे। तो सूरत मनपा की टीमें दबाणों पर आ बुलडोजर फेरव्यू छे। लोखंडी पुलिस बंदोबस्त वच्चे तंत्रनी दबाण हटाव कामगीरी सामे आवी छे। आप देखें तो इस जगह पे कल पत्थर मारा हुआ था, पुलिस ने डिप्लॉयमेंट कर दिया था रात से। माहौल शांतिपूर्ण है, बंदोबस्त लगा दिया था। हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं बंदोबस्त के लिए, जो खास करके इस तरह की घटनाओं में अपने कामगिरी उसके लिए ट्रेंड होते हैं, उस तरह के सारे जवान यहाँ मौजूद हैं। व्हीकल्स जो एंटी राइटिंग गियर्स इक्विपमेंट्स, वज्र वाहन, एंटी राइट व्हीकल्स और दूसरे प्रिजन वाहन वगैरह यहाँ को डिप्लॉय करके पूरे एरिया को हमने डोमिनेट भी किया है। पूरे एरिया में हमने शांति का माहौल भी बनाए रखा है और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी से लोग यहाँ पे आवन जावन कर रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी लोग आवन जावन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि सारी दुकानें भी खुली हुई है और रोज़ाना जो काम काज होता है उसी तरह का यहाँ माहौल है। अभी किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई? अभी आप देख सकते हैं पीछे की ओर के जो सैयदपुरा चौकी है, जहाँ उसके पीछे जिस जगह गैर कानूनी तौर पर एनक्रोचमेंट किया गया है, उस एनक्रोचमेंट जो एसएमसी की खुद की जगह पे हुआ था, उस एनक्रोचमेंट को हटाया गया है। ये एनक्रोचमेंट हटाने के लिए एसएमसी ने जगह आइडेंटिफाई की थी, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और उसके साथ पुलिस प्रशासन ने उनको प्रॉपर बंदोबस्त दिया है। इसके अलावा आसपास की जहाँ एरिया के जहाँ पे गैरकानूनी तौर पे लोगों ने लारी या गल्ले लगा रखे थे उनको भी उठाया गया है और इस तरह इलाके के ऊपर एक अलग से कार्यवाही भी की गई। कल की घटना को लेकर जिस भी जगह पे हमें शक है वहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम और हमारी डिटेक्शन की टीम। तो सूरत में गणेश